हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुए शो जुरासिक वर्ल्ड कैम्प क्रिटेजियस सीजन 2 के रिव्यू के बारे में। जुरासिक वर्ल्ड कैम्प क्रिटेजियस सीजन 2 ये एक एनिमेशन एक्शन एडवेंचर शो है जिसे नेटफ्लिक्स पर 22 जनवरी को रिलीज किया गया। शो को बनाया है जैक स्टैंड्स ने और सीजन 1 की तरह ही सीजन 2 को भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज किया गया और सीजन 2 में भी करीब 8 एपिसोड हैं। हर एक एपिसोड 22 मिनट से 25 मिनट के बीच में है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने सीजन 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले देख लीजिए, क्योंकि सीजन 1 की स्टोरी को ही सीजन 2 में कंटिन्यू किया गया है। कहानी फोकस करती है अगेन टेरियस केंजी, ब्रुकलिन कैच और सैमी पर, जो कि इस कैंप में घूमने के लिए आए थे, पर अब वो इस पार्क में बुरी तरह से फंस चुके हैं और अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तो कैसे वो इस पार्क में डायनासोर्स के बीच रहकर सरवाइव कर रहे हैं, इसी पर फोकस करता है सीजन 2, जिसमें आगे क्या कुछ होता है ये जानने के लिए तो आपको इस शो को ही देखना होगा, जिसका नाम है जुरासिक वर्ल्ड कैम्प क्रिटेजियस सीजन 2। तो फ्रेंड्स, जब इस शो का सीजन 1 आया था तो कुछ लोगों को ये शो पसंद आया था पर कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं। और बात करूं मेरी तो मेरी राय अभी भी वही है इस शो को लेकर कि ये एक अच्छा एनिमेटेड शो है जो बच्चों और बड़ों सभी को काफी ज्यादा पसंद आएगा, भले से ही शो में कई सारे वीक पॉइंट्स ही क्यों ना हो, जिनके बारे में मैं इस वीडियो में आगे बात करूँ। पर फिलहाल बात करूं प्लॉट की तो शो का प्लॉट अच्छा है और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि इस बार शो फोकस करता है फ्रेंडशिप पर और इन सभी बच्चों के बीच की बॉन्डिंग पर, और इसी के साथ इन सभी को एक सेफ जगह की तलाश है जहां ये रहकर मदद आने तक का वेट कर सके। और इसी बीच शो में जो कुछ भी होता है वही सब देखने में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। वही बात करूँ डायरेक्शन की तो शो का डायरेक्शन अच्छा है, बिल्कुल शो के एनिमेशन की तरह ही, जो आपको पसंद आएगा। और वहीं सीजन 1 की तरह ही सीजन 2 में भी आपको कई सारे एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे जो देखने में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, और वहीं शो की कॉमेडी भी डिसेंट है। वहीं बात करूं वॉइस एक्टिंग की तो सीजन 2 में भी उन्हीं एक्टर्स ने वॉइस दी है जिन्होंने सीजन 1 में दी थी, एक्ट्रेस जेना ओर्टेगा, शॉन कैमरॉन, कौसर मोहम्मद, पॉल मिकेल एंड ब्रायन पॉटर ने, और इन सभी की वॉइस हर एक कैरेक्टर पर परफेक्ट सूट करती है। वही बात करूँ कैरेक्टर्स की तो शो के हर एक कैरेक्टर को इतने अच्छे से तो लिखा और डेवलप किया गया है कि आपको ये सभी कैरेक्टर्स शो में पसंद आए, जो कि आते भी। वहीं सीजन 2 में सभी कैरेक्टर्स पर और भी ज्यादा अच्छे से फोकस किया गया है, जिसके चलते शो का हर एक कैरेक्टर आपको पसंद आएगा और आप इन्हें आगे भी देखना चाहोगे। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि शो बाकी मामलों में कैसा है, जैसे शो का BGM जो काफी अच्छा है और आपको जुरासिक वर्ल्ड मूवीज की याद दिलाता है, वहीं शो की एडिटिंग भी काफी अच्छे से की गई है, क्योंकि शो का हर एक एपिसोड 20 से 25 मिनट के बीच में है जो हमें बोर तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो फ्रेंड्स, बात करूँ वीक पॉइंट्स की तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि शो में कई सारे वीक पॉइंट्स भी हैं, जैसे बच्चों का हद से ज्यादा समझदार होना और डायनासोर से लड़ना और हर एक मुसीबत में से काफी आराम से निकल जाना, और भी ऐसे कई सारे वीक पॉइंट्स आपको इसके सीजन 1 और सीजन 2 में देखने को मिल जाएंगे, जिनके चलते कुछ लोगों को ये शो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। पर फिर भी मैं यही कहूंगा कि ये एक अच्छा एंटरटेनिंग टाइम पास सा शो है, जिसे जुरासिक वर्ल्ड फिल्मों से कंपेयर ना करते हुए देखो तो ये शो आपको पसंद आएगा, स्पेशली बच्चों को जिन्हें ध्यान में रखकर ही ये शो बनाया गया है। तो ओवरऑल मेरी नजर में जुरासिक वर्ल्ड कैम्प क्रिटेजियस सीजन 2 एक अच्छा एंटरटेनिंग शो है, जिसे आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। जुरासिक वर्ल्ड कैम्प क्रिटेजियस सीजन 2 को मैं दूंगा 2.5 स्टार्स। तो फ्रेंड्स, ये था जुरासिक वर्ल्ड कैम्प क्रिटेजियस सीजन 2 को लेकर मेरा रिव्यू। पर अगर आपने ये शो पहले से ही देख रखा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये शो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।